कैसोनिल। जी हाँ, रेक्स की कैसोनिल, मैदे जिगर से रोग हटाए, आंतों को मजबूत बनाए, गैस अफारा दूर भगाए। रेक्स की कैसोनिल टेबलेट्स और सीरा। आजादी के 70 सालों में पहली बार भारतीय नागरिकों में कुछ जगहों पर इतनी दूरियां देखने को मिल रही हैं और धर्मों के नाम पर बंटवारे हो रहे हैं। रमजान मुबारक के पवित्र महीने में जहां शहरी में रोजेदारों को जगाने के लिए एक सिख घूमता रोजा रखने के लिए उठा रहा है, वहीं एक बुरी खबर करनाल से आई है। करनाल में रमजान के महीने में मस्जिद में इबादत कर रहे मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते हुए कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की और मस्जिद की दीवार ढा दी है तथा मस्जिद में तोड़फोड़ करते हुए मस्जिद में लाउडस्पीकर के तार तोड़ डाले हैं और मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी है। यह अफसोसनाक घटना करनाल के नेवल गांव की है। बताया जा रहा है कि स्पीकर से अजान की आवाज से गुस्साए कुछ लोग मस्जिद में घुस गए और खूब हंगामा किया। घटना के बाद से ही सभी मुस्लिम समाज के लोग सहमे हुए हैं और डर के साए में हैं। घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी नमाज बीच में ही छोड़ दी और इकट्ठा होकर कुंजपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि घटना के वक्त स्पीकर बंद था और कुछ पल की अजान होती है उसमें भी हम स्पीकर की आवाज कम रखते हैं। वहीं पीड़ित लोगों ने गांव के ही कुछ लोगों पर इस मामले में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि इसी साल मई में हरियाणा के ही गुरुग्राम में नमाज को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। दरअसल गुरुग्राम सेक्टर 53 के वजीराबाद गांव में खुले में नमाज पढ़ने से रोकने पर जो विवाद शुरू हुआ था, यहां एक सरकारी जमीन पर कुछ मजदूर नमाज पढ़ रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक आए और उन्हें वहां से भगा दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद गुरुग्राम में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।